ओ ने निर्देश दिए हैं। समतल और सहारा सिटी की जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी, 700 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और विधायक तेजपाल लागर ने इसकी शिकायत की थी। तो बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ ने प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब यहां पर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन का बुलडोजर यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। तो बता दें आपको कि प्राधिकरण के सीईओ ने निर्देश दे दिए हैं कार्रवाई को लेकर। समतल और सहारा सिटी की जमीन पर ये अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और 700 बीघा जमीन जहां पर ये अवैध कॉलोनियां काटी गई और विधायक तेजपाल लागर ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण के निर्देश दे दिए हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी, 700 बीघा लगभग ये जमीन जहां पर ये अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी और विधायक तेजपाल नागर जिन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत की और उसके बाद जब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो इसकी जांच हुई और अब यहाँ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो प्राधिकरण को सीईओ ने निर्देश दिए हैं ध्वस्तीकरण के, जिसके बाद अब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेगा और ध्वस्तीकरण किया जाएगा इन अवैध कॉलोनियों का। लगभग 700 बीघा ये जमीन बताई जा रही है जहां पर अवैध रूप से इन कॉलोनियों को काटा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर टोल प्लाजा के पास कर्मचारी से मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।